चलिए एक बहुत ही तगड़ा टॉपिक देखते हैं। देखिए क्या है, स्पार्कलिंग ऑफ एयर बबल इन वाटर या ग्लास, मतलब जल अथवा कांच में वायु के बुलबुले का चमकना। ये चीज़ आपने देखा होगा कि जैसे कांच वगैरह में भी आपने देखा है, जो ग्लास वगैरह होते हैं तो जो अंदर कोई कोई ग्लास में आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा चमकती हुई दिखती है। और चमकती हुई क्यों दिखती है, क्योंकि ग्लास के अंदर एयर बबल बन गया होता है। ठीक है, एयर बबल होता है वही एयर बबल चमकता है। उसी तरीके से आप पानी के बुलबुलों को देखेंगे पानी के अंदर, वो भी चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि वो ग्लास के अंदर जो एयर बबल होता है वो चमकता हुआ दिखाई देता है और पानी के अंदर जो एयर बबल होते हैं वो चमकते हुए दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है, वही चीज़ अपन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अपन एयर बबल की ही बात कर लेते हैं। तो एयर बबल इन वाटर, और जैसा इसका बिहेवियर होगा वैसा ही बिहेवियर होगा एयर बबल इन ग्लास। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, इतना वाटर इसके अंदर फिल कर दिया, वाटर हमने भर दिया इस तरीके से, और यहाँ पे क्या हो गया, एक बबल था। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए यहाँ से हम ये देखते हैं कि कोई लाइट रे इस तरीके से आती है। ठीक है, हम यहीं से ले लेते हैं, कोई लाइट रे यहाँ से टकराई और टकराने के बाद देखिए होता क्या है, होता ये है कि इस तरीके से ये वापस चला जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए होता क्यों है, होता क्या है कि इस तरीके से वापस चला जाता है और ये कुछ इस तरीके से जाता है और यहाँ पे जब आप होते हैं तो आपको ये चीज़ दिखाई पड़ती है। ठीक है, मतलब ये एयर बबल के फॉर्म में दिखाई पड़ता है। अब देखिए किस तरीके से, होता क्या है कि ये जब लाइट रे इससे टकराई, इस सरफेस से टकराई है, तो ये अंदर एंटर नहीं करती है, मतलब यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होता है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन नहीं होता है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये आई रहेगा, ये आई क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, मतलब आई सी से ज़्यादा होने के कारण ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है, मतलब अंदर एंटर नहीं कर पाता है और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है, और रिफ्लेक्ट होने के कारण ही ये चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। मतलब पानी का जो बुलबुला होता है पानी के अंदर चमकने का कारण यही होता है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये वायु का बुलबुला चमकते हुए दिखाई पड़ता है। ठीक है, चीज समझ गए। इसी तरीके से ग्लास में भी होता है, ग्लास में भी आप एयर बबल देखते हैं वो भी चमकता हुआ दिखाई देता है, उसका भी कारण यही होता है। ठीक है, तो थी ना काफ़ी मज़ेदार चीज़, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ हम सीखे। अब नेक्स्ट टॉपिक में इसके आगे हम कुछ और भी चीज़ें सीखेंगे।